गाइस बात करेंगे सलार और डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में, यूएसए एडवांस बुकिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा कंप्लेंट आता है कि सलार का जो है बहुत पहले से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है, डंकी का अभी अभी हुआ है और तू ये अनफेयर कंपेरिजन क्यों कर रहा है। तो गाइस मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये लेकर के आया हूँ कि लास्ट 24 आवर्स की रफ्तार क्या है, कि लास्ट 24 आवर्स में सलार का कितना एडवांस बुकिंग हुआ है, डंकी का कितना एडवांस बुकिंग हुआ है। अभी तो ये फेयर बन जाएगा ना, तो चलिए बात करते हैं पहले। तो सलार का पहले बात करेंगे, सलार 360 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहा है मेरे भाई। सलार का यूएसए की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए की। ओके, तो सलार का 360 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहा है। 2000 से ज्यादा लोकेशन है लेकिन अभी तक 360 में ही चल रही है। ओके, और सोर्स की बात करें तो 1180 सोर्स में एडवांस बुकिंग चल रहे हैं और टिकट्स की बात करें तो 23,200 से ज्यादा तक की टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई साहब तबाही है, ये तबाही है। ओके, 23,200 से ज्यादा तक की टिकट जो है यूएसए में, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में सोल्ड आउट हो चुके हैं और डॉलर बनते हैं 6,26,000 समथिंग। ओके, 6,26,000 तक के डॉलर बन चुके हैं जो कि हमारे इंडियन करेंसी में 5,20,00,000 से ज्यादा होता है, 5,20,00,000 से ज्यादा होता है। अगर हम बात करें यहां पे डंकी की तो ताज्जुब की बात है कि डंकी का सलार से भी ज्यादा लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहा है। मतलब सलार का 360 लोकेशन मैंने बोला, इसका 367 समथिंग है, इतना है 360 से, लेकिन ज्यादा है, 360 से ज्यादा तक के लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहे हैं और सोर्स है 1000 से ज्यादा। ओके, 1000 से ज्यादा सोर्स में एडवांस बुकिंग चल रहे हैं डंकी का और टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो 6,745 समथिंग टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं डंकी का। अगर ओवरऑल टोटल यूएसए की डॉलर की बात करें तो 93K डॉलर हो चुका है, 93,000 डॉलर अभी हो चुका है जो कि हमारे इंडियन करेंसी में यही कुछ 75 लाख समथिंग होता है, 75 लाख समथिंग होता है। अभी हम बात करते हैं 24 आवर्स की परफॉर्मेंस की। ओके, 24 आवर्स की परफॉर्मेंस की पहले डंकी की बात कर लेते हैं। डंकी की 24 आवर्स के अंदर 40 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहा था। 24 लास्ट 24 आवर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो डंकी का 40 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहे थे और वहां पे यही कुछ $3,000 बना चुका है। ओके, $3,000 बना चुका है, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में यही कुछ 2.5 लाख रुपए होंगे। ओके, अगर हम बात करें सलार की लास्ट 24 आवर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो यही कुछ बस 13 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहे, 13 लोकेशन में एडवांस बुकिंग चल रहे थे लेकिन डॉलर बना चुका है 32K 32,000 डॉलर बना चुका है जो कि हमारे इंडियन करेंसी में होगा यही कुछ 27 लाख। क्या मतलब, किस तरह का आप देख सकते हो डिवाइड। अभी तो ये फेयर हुआ ना, यहाँ पे 2.5 लाख तो वहां पे 27 लाख। सोचो, अभी बोलो अनफेयर कंपैरिजन भाई साहब, अभी बोलो। ओके, अभी ये तो अनफेयर नहीं हुआ ना, तो भाई साहब क्यों नहीं समझ रहे हो। देखो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो क्रेज की जो बात हो रही है कि सलार का बहुत ज्यादा क्रेज है और खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है हर तरफ हर जगह पे, जो कि बिना आउटपुट छोड़े आज ही उसका सॉन्ग आ रहा है, डंकी का 5-5, 6-6 सॉन्ग आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी। तो मैं और एक प्रॉपर रीजन आपको देता हूँ भाई साहब, मुझे गालियां पड़ने लगी है, ऐसे बहुत सारे लोगों को गालियां पड़ने लगी है और आप देखे होंगे ट्विटर पे फेक रिव्यू वगैरह भी आ रहा है अभी, बड़े बड़े मतलब जितने बड़े मतलब फिल्म की न्यूज वगैरह जो देते हैं, तरण आदर्श, सुमित कारेल, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े जो होते हैं ना ऐसे करके, तो उन लोगों के नाम पे फेक आईडी बनना शुरू हो चुका है, फेक आईडी बन रहा है और सलार का रिव्यू आ रहा है, सलार को 1 स्टार दिया जा रहा है, 0.5 स्टार दिया जा रहा है, सलार मूवी की एकदम से नेगेटिव रिव्यू अभी छाई हुई है हर जगह पे, फेक आईडी, एकदम से फेक आईडी। मतलब फिर वहां पे ब्लू टिक वगैरह भी है, आप हंस हंस के पागल ही जाओगे, मतलब ब्लू टिक वगैरह भी वो लोग खरीद लिया है, इतना खर्च करके नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ओ गॉड, क्या चल रहा है यार, ये है ना, हंसी आती है ये सारी चीजों के ऊपर। आप देखिए होंगे बहुत सारा रिव्यू भी वायरल होने लगा है कि सलार ऐसा है वैसा है, 0.5 स्टार 1 स्टार दिया जा रहा है। तो ये जो नेगेटिविटी चल रही है ना सलार मूवी के ऊपर, इतनी जो फेक नेगेटिविटी चल रही है, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि डंकी मूवी के मतलब पीछे जो लोग भी हैं, डंकी मूवी की हाइप को बढ़ाने के लिए सलार की हाइप को कम किया जा रहा है, तो उन लोगों को भी डंकी मूवी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, समझ जाओ इसके ऊपर। ओके, जो सलार के ऊपर नेगेटिविटी कर रहा है, सलार मूवी के ऊपर नेगेटिविटी फैला रहा है, उसको भी भरोसा नहीं है कि डंकी मूवी में वो दम है जो कि सलार को ये कर पाएगा। भाई साहब हमें डंकी मूवी के ऊपर पूरा भरोसा है कि डंकी मूवी बहुत ही अच्छा मूवी होगा, क्लास मूवी के हिसाब से बड़ा कमाल लगेगा, सब लोग एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए, लेकिन आप लोग क्यों सलार के पीछे पड़े हो, डंकी मूवी की हाइप को कम कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि डंकी मूवी के ऊपर आप लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे गालियां पड़ रही है, मुझे हंसी आती है ये सारी चीजों से। ओके, मुझे हंसी आती है कि भाई मुझे गाली दे रहे हो आप लोग, है मुझे गाली दे रहे हो, मतलब आप सोच पा रहे हो ना, एक 50-60 हजार समथिंग सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर हूं, मुझे
मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ लोग जानते हैं बस। ओके तो मुझे अगर आप लोग गालियां दे रहे हो तो आप लोगों की हालत कहां तक पहुंच चुकी है आप समझ पा रहे हो ना है? ये बस कुछ नहीं है यार, शाहरुख खान सर का इज्जत को ये लोग उछाल रहे हैं और कुछ नहीं है भाई साहब। डंकी आ रहा है, डंकी के साथ एंजॉय करो, डंकी के ऊपर भरोसा रखो, वो एक मस्त मस्त मूवी होगा, बहुत अच्छा मूवी है। राजकुमार हिरानी की फिल्म है भाई, एकदम से इमोशनल जर्नी होगा, बहुत खतरनाक होगा, इसके साथ बने रहे हो ना है? ये फेक रिव्यू देना, ये मतलब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको गाली देना, भाई साहब बड़े बड़े यूट्यूबर सारे के सारे डंकी मूवी के सपोर्ट में है, डंकी मूवी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे, सलार मूवी के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलो तो जाकर के उनके साथ एंजॉय करो है ना, हमें गाली देने की क्या जरूरत है, फेक रिव्यू देने की क्या जरूरत है। ओके खैर दोस्त, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, आज सॉन्ग आ रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सॉन्ग तो ये वाली क्रेज को और भी ज्यादा बढ़ाएगा लिटरली, जो कि बहुत मजा आने वाली है। ओके होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है।